12 अगस्त को ईद उल जुहा और सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने तैयारियों का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ईदगाह पर होने वाली मुख्य नमाज में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। इसी के तहत निगरानी के लिए वॉच टावर भी तैयार किए गए हैं और भीड़ वाले इलाकों में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इस मौके पर अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग भी की जाएगी और ड्रोन से हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। नहीं, 12 तारीख को ईद उल जुहा है जैसा कि आपको पता है, और 12 तारीख को सावन का लास्ट सोमवार भी है। इसको लेकर भी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है और सभी को सचेत किया हुआ इस बारे में। इस हेतु हमने जो पुलिस बल है, होमगार्ड है, आरएसी है, और इंटरनल मोबिलाइजेशन है जो पुलिस को, वो भी मैक्सिमम किया हुआ है। सभी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।